दोस्तों आप सभी को नमस्कार। एक और नई वीडियो में, और ये वीडियो में आपको अपने गांव से शेयर कर रहा हूं आप सबके साथ। खासकर मेरे जितने भी YouTube के सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको बताना चाहूँगा, ये मेरे गांव की तस्वीर है। और एक ही जो रोड है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आती है, जो कि बिली सुजनदार तक जाती है और बीच में मेरा गांव पड़ जाता है। और ये आसपास मेरे गांव के, यानी घर के आसपास आप लोग देख सकते हैं, ये घने पेड़ पौधे और शुद्ध हवा के खूबसूरत नज़ारे हैं। और इस समय जो है ठंड का जो प्रकोप है, ठंड का एहसास है, सुबह शाम दोपहर को लगातार हो रहा है। और शाम के यानी रात के वक्त तो काफ़ी हद तक ज़्यादा ठंड हो जाती है। इस समय जैकेट वगैरह सब गाँव वासियों ने पहन ली है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि बारिश और फिर दिसंबर के अंत में बर्फबारी का भी माहौल जो रहता है हमारे गांव में। और इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो गांव जो हमारा है ये ज़्यादातर जो है खेती बाड़ी पर लोग जो है निर्भर करते हैं। गांव के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर जो यहां के स्थानीय नागरिक हैं वो अपनी जो रोजी रोटी है वो खेती बाड़ी से ही निकालते हैं। यानी जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गए, मक्की की सबसे ज़्यादा फसल होती है हमारे गांव में। और काफ़ी दिनों से कोई मेरी वीडियोस वगैरह भी नहीं आ रही थी, आप सबको पता है इसी महीने में मेरी शादी भी है। और दूर दूर से तो नहीं लोग आ पाएंगे, बट जो आसपास के अपने रिश्तेदार हैं तो ज़रूर वो आएंगे। तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो वगैरह बनाकर आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। बट फिर भी अगर आप लोग आना चाहते हैं तो एक मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर कर दूँगा, तो आप लोग वहाँ से आप लोग कंटेक्ट करके आप लोग आ सकते हैं। खासकर डेट वगैरह भी आपको पता चल जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर जो हैं आउट ऑफ स्टेट के हैं, और इतनी दूर से आना इतनी जल्दी पॉसिबल भी नहीं होता। बट फिर भी मेरे कोई दोस्त आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, खासकर मेरे गांव में भी आपका। और इसी गांव से मैं अपने बचपन की जो पढ़ाई वगैरह है शुरू की थी, और धीरे धीरे करके कामकाज के साथ साथ पढ़ाई के साथ सिर्फ इस गांव से बिलोंग करता हूँ। तो ये वैसा क्या हमारा जो रहन सहन है इसी गाँव में है। बाकी ऐसे कामकाज के लिए तो बड़े शहरों में भी निकलना पड़ता है आज के ज़माने में, जिस प्रकार से महंगाई वगैरह हो रही है। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस समय धूप वगैरह वो ढल चुकी है, सूरज डूब चुका है, और ये सामने पहाड़ों का नज़ारा है, और ये रोड वगैरह देख सकते हैं आप इस तरफ। और बाकी इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर गाँव में है, ऐसी बात नहीं है, बट कुछ साल पहले नहीं थी, बट अब है। अब रोड की कनेक्टिविटी भी, सिंगल रोड है, आप लोग देख सकते हैं ये रोड है, बाकी फिर भी ठीक है। बाकी अगर मैं गांव की बात करूं तो हैज़ कम्पेयर टू हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में बहुत सारे ऐसे पिछड़े हुए गांव हैं, उन गांव से फिर भी हमारा गांव थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, अच्छा है। अब एजुकेशन के सेक्टर की बात करें तो एक ही स्कूल है 10th तक हमारे चौराकोट में, और उसके साथ फिर एक प्राइमरी स्कूल आ गया, फिर हरोडकोट में भी स्कूल है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 1-2-3 स्कूल हैं जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पर टीचिंग स्टाफ भी है। और हेल्थ की अगर मैं बात करूं, यानी मेडिकल फैसिलिटी, तो एक जो हॉस्पिटल भी है हमारे चौराकोट में। तो कुल मिलाकर ये थी आज की वीडियो। धन्यवाद।